बल्लेबाज हैं सिमी सिंह। भारत के लिए तो नहीं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। आयरलैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सिमी ने वनडे क्रिकेट में 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। सिमी भारतीय मूल के आयरिश खिलाड़ी हैं, जो कि साल 2018 से आयरलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हाल ही में आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच एक इंटरेस्टिंग सीरीज खेली जा रही थी। आयरलैंड सीरीज जीतने से तो चूक गया, लेकिन सिमी सिंह ने नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में सिमी सिंह ने 8वें नंबर पर आकर शतक जड़ा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई खिलाड़ी 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आया हो और उसने वनडे क्रिकेट में शतक बनाया हो। सिमी की इस पारी से पहले इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 8वें नंबर पर 95 रनों की पारी खेली थी। वोक्स का रिकॉर्ड टूट गया है और इस नंबर पर सिमी सिंह नए रिकॉर्ड होल्डर हैं। सिमी सिंह ने ये रिकॉर्ड उसी मैदान पर बनाया है जिस मैदान पर उन्होंने पहली बार आयरलैंड में अपने क्लब क्रिकेट की शुरुआत की थी। सिमी सिंह की माने तो उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने ये कारनामा इसी मैदान पर किया है। मैच के बाद सिमी सिंह ने रिकॉर्ड और इस मैदान का जिक्र किया। सिमी सिंह ने कहा, आयरलैंड में आने के बाद जिस मैदान पर मैंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की उसी मैदान पर ये शतक बनाना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। साथ ही शतक के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाना ये तो सोने पर सुहागा है। सिमी सिंह के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें विरोधी टीम से भी तारीफ मिली है। सिमी ने बताया, जब मैं क्रीज पर बैटिंग करने आया तो टीम का स्कोर 92 पर 6 विकेट था। उसके बाद एनरिक नौरखिया और शामसी जैसे गेंदबाजों का सामना करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में एक शतकीय पारी से मेरा कॉन्फिडेंस खासा ऊपर है। मैच के बाद पूरी आयरलैंड और साउथ अफ्रीकी टीम ने मेरी पारी की तारीफ की। साथ ही अफ्रीकी स्टार डिकॉक ने भी मेरी तारीफ की है। सिमी सिंह का सफर। सिमी सिंह का जन्म पंजाब के मोहाली शहर में हुआ, जहां उनके पिता पंजाब के चंडीगढ़ शहर में पंजाबी भाषा के अध्यापक थे। सिमी शुरू से ही क्रिकेट से प्यार करते थे। सिमी ने पंजाब से ही अपने जूनियर क्रिकेट की शुरुआत की। उसके बाद वो साल 2006 में आयरलैंड आ गए, जहां उन्होंने मेलहाइट क्रिकेट क्लब के साथ जुड़कर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। आयरलैंड आने के बाद उन्होंने क्लब क्रिकेट खेलने के साथ होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। साल 2017 में उन्हें आयरलैंड की नागरिकता मिल गई और वनडे टीम में जगह। उनका डेब्यू न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमों के साथ एक ट्राई सीरीज में हुआ। उसके बाद से ही सिमी लगातार आयरलैंड टीम का हिस्सा बने रहे। कोविड के बाद जब क्रिकेट की दोबारा शुरुआत हुई तो सिमी ने किस तरह से अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर ध्यान दिया, सिमी ने इस बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, दो सीरीज के बीच मिले समय में मैं नॉर्थ काउंटी में जाकर अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता था। मैं अपनी बैटिंग की वीडियोस देखकर सीखता था कि मुझे तेज गेंदबाजी के खिलाफ किस तरह बैटिंग करनी है। साथ ही गेंदबाजी में मैं अपनी गति में बदलाव करना, रिस्ट स्पिन फेंकना, गूगली डालना और साथ में लेग स्पिन डालने की भी कोशिश करता था। मेरे चीफ कोच ग्राहम फोर्ड और बाकी कोचों ने इसमें मेरी बहुत मदद की। आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज में आयरलैंड की टीम ने इतना शानदार खेल दिखाया है कि सभी ने उनकी तारीफ की है। सीरीज के दूसरे वनडे में आयरलैंड ने अफ्रीका को हराकर सभी को हैरान किया था, जबकि सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ऐसे में आयरलैंड की टीम तीसरा वनडे हारी जरूर, लेकिन सीरीज गंवाने से बच गई। आयरलैंड ने इस सीरीज से 15 पॉइंट्स कमाए हैं, जिससे उन्हें वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में खासी मदद मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी आयरलैंड सुपर 12 में क्वालिफाई कर सकती है। इस खबर में बस इतना ही। मैं आपके साथ गरिमा भारद्वाज, आप देखते रहिए दी ललन टॉप।